दोस्तों, जय जवान जय किसान। हमें राहुल जवान। हुआ क्या है, एक्चुअली दो चार दिन से जो देखने में आया है, मेरे खेत में पत्तियां सूख गई थी पौधे की अचानक से। बढ़िया चलता हुआ खेत, एकदम से अचानक से ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या हुआ। अच्छा, हमने कई एग्रोनॉमिस्टों से बात की, मुझे जानना था कि देखता हूँ लोग क्या क्या बताते हैं। बहुत गन्ने के जो जानकार हैं उनसे बात किया, करता गया, लोगों से पूछा, किसी ने कुछ दवाई बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि इसकी जड़ को भी खोद के देखो। यही गड़बड़ है, प्रैक्टिकल नॉलेज और पढ़ी हुई नॉलेज में अंतर, कढ़ा हुआ और पढ़ा हुआ दोनों में फर्क होता है। मैंने क्या किया, इसको खोद के देखा। पता मुझे भी था इसमें क्या समस्या है, लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि कहाँ से क्या कुछ चल रहा है। काफ़ी लोगों से बात किया, हालांकि उन्होंने अपने स्तर से सही बताया, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज में अंतर। किसान को एकदम से कोई भी दवाई का नाम बता देना और उसको बाज़ार से जा करके 1500-2000 की दवाई का लाना और खेत में डालना, उसके बाद उसका रिजल्ट ना आना, ये बड़ी गड़बड़ चीज़ है। उसके दिल से पूछो, वो कहाँ से 1500 रुपये बेचारा लेके गया होगा। एकदम से किसी के पास पैसा नहीं होगा, सोचता है चार बार जब 1500 रुपये की बात आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। एक्चुअली जैसे ये पौधा है, ये पत्तियाँ यहाँ से सूखनी शुरू हुई थी। ये देखो इस तरीके से, इधर दिखाओ, ये देखाओ, ये पत्तियाँ सूखनी शुरू हुई। तो इसको जब हमने कुछ पौधों में खोद के देखा तो हमें लगा सफ़ेद गिंडार मिली इसकी जड़ में। ये देखो इधर लाओ, नज़दीक से दिखाओ। ये जहाँ इसको जूम क्यों कर रहे हो आप, जूम ख़त्म करो, जूम इन बिल्कुल ज़ीरो करो। हाँ, ये कोई प्रोफेशनल थोड़ी वीडियो बन रही है। ये देखो भाइयों, ये सफ़ेद गिंडार और जड़ें कितनी शानदार चल रही थी। और ये बहुत है, एक आध नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे करो इसको थोड़ा, ये रही, और ये इस तरीके से पूरे खेत में है। ये रहा है, कहाँ भाग गई, अरे यार। ये देखो, ये टूट गई मेरे हाथ से, ये दिख रहा है, ये इसका लार्वा। तो ये अब आपके खेतों में शुरू हो चुका है सफ़ेद गिंडार का गेम। अब बात आती है कि साहब इसके लिए क्या करें, उपाय। इसका उपाय ये है, आप थोड़ा पीछे चले जाओ। इसका उपाय ये है, पहला उपाय अगर हम जैविक की बात करें तो आप अगर बिबेरिया बेसियाना को समय समय पे चलाएंगे, महीने में एक बार 1 किलो बिबेरिया बेसियाना को 200 लीटर पानी में डालिए। चाहे तो उसको आप गोबर की खाद के ऊपर मल्टीपल कर सकते हैं, चाहे आप उसको 200 लीटर पानी में घोल के गुड़ मिला करके उसके पानी के साथ चला दो, या आप जो है इसके अलावा एक प्रयोग करेंगे जो मैंने तंबाकू का, मैं बताता हूँ। 200 लीटर पानी में 20 किलो तंबाकू के पत्ते और 10 किलो गुड़ को मिला करके 3 महीने के लिए एकदम एयर टाइट कर दो। उसके बाद में पर एकड़ 2 लीटर का ड्रिंचिंग करना है, गजब के रिजल्ट है, ये सपा जाएगा, आएगा ही नहीं। तीसरा उपाय, अब आ जाते हैं रासायनिक में भैया। बिबेरिया बेसाने के अलावा आप मैथिरिजम एनिसोप्ले भी ले सकते हैं। अब भैया रासायनिक में इसकी डेंटा शू के अलावा कोई उपाय नहीं है। डेंटा शू लेके आओ, 30 से 50 ग्राम डिपेंड करता है। जैसे मेरे यहाँ पे लगातार ज़बरदस्त वाली स्थिति में एक पेड़ की जड़ में 6-6, 7-7 हैं, तो 50 ग्राम डेंटा शू, ये उधर ड्रम दिखाओ, ऐसे ड्रम में डालना है आपने। और घोलो, कुछ नहीं करना है, छानो, कंधे पे रखो और जड़ में ड्रिंचिंग जैसे मैंने दिखाई थी, ये ड्रिंचिंग करना है। 2 दिन इसको पानी नहीं देना है, 2-3 दिन, 2 दिन लगभग, उसके बाद इसको पानी दो। ये निश्चित रूप से एक ही ड्रिंचिंग में काम खत्म हो जाएगा। कोई भी समस्या के लिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको है तो आप निःशुल्क जानकारी के लिए मेरे दिए गए नंबर पर नीचे एक बात कर सकते हैं। स्क्रीन के शुरुआत में भी जब वीडियो प्ले होती है उसमें भी नंबर आता है, मैं आपको बता भी देता हूँ, 70 17 41 46 71।
एक है 76430 78999 7017741 4671। ये मेरा नंबर है राहुल जवान का, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, निःशुल्क सेवाएं हैं, आपको तुरंत निःशुल्क समाधान बताया जाएगा। तो ये एक समस्या थी जो बहुत ज़रूरी है, अभी इस पर काम करना, आप लोगों को तुरंत काम कीजिए, इमीडिएट अपने खेतों में जाइए, चेक कीजिए, यदि ऐसी समस्या है तो इसकी ये प्रयोग करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ये आपके फौजी भाइयों का चैनल है, सेना उतरी है किसानों के साथ काम करने के लिए, तो थोड़ा आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि सेना के जवान कृषि के क्षेत्र में किसानों की मदद करें तो ये करना है, वरना हम नहीं चाहते कि हम जा करके सेना के बाद सिक्योरिटी की नौकरी करें, एक सीमित ज़िंदगी हमारी बंद कर रहा है, हमारे अंदर बहुत जोश, बहुत जुनून, बहुत पागलपन होता है भरा हुआ, हम उसको आप लोगों के बीच में ला करके किसान की मदद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप मुझे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में देखना चाहते हो, या एक दोबारा से मैं किसी वर्दी की नौकरी करूं उसमें चाहते हो, या मुझे खेतों में चाहते हो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, सोचिएगा समझिएगा। जय हिंद।